नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की खबरें और काफी महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से, मौसम को लेकर, सीएए को लेकर, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर और साथ ही साथ हमें यूपी के मौसम के बारे में भी जानेंगे। तो सारी खबरें आज जानते हैं विस्तार से। शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। लाइक बहुत जरूरी है, आपका एक लाइक मुझे हिम्मत देता है नई वीडियो बनाने का, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। क्या चंद्र ग्रहण में खेल पाएंगे होली? ज्योतिषाचार्य से जाने किन बातों का रखना होगा ध्यान। जी आपको बता दें, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि पर होलिका दहन की बात चल रही है। जी हाँ, होलिका दहन पर इस बार चंद्रग्रहण देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि होलिका दहन होगा या नहीं होगा, इस वर्ष होली पर चंद्रग्रहण का योग बन रहा है और 25 मार्च को पड़ने वाला जो चंद्रग्रहण है वो साल का पहला चंद्रग्रहण है। लोगों में दुविधा की स्थिति बनी है कि चंद्रग्रहण के कारण होली खेली जाएगी या नहीं, होली मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, तो उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जी आपको बता दें कि ये चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण भारत में इस चंद्रग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं माना जाएगा और ना ही इसका कोई सूतक काल मान्य होने वाला है। चलिए इसी के साथ अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। SBI ने करोड़ों क्रेडिट कार्ड को दिया झटका, 1 अप्रैल से लागू होंगे कई नए नियम। आपको बता दें, SBI ने अपने करोड़ों क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एक बड़ा झटका दे दिया, जिसमें SBI कार्ड की ओर से क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव किया गया और ये नियम 2024 से लागू होंगे। अब 1 अप्रैल 2024 से SBI के क्रेडिट कार्ड से रेट पेमेंट करने पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। तो उनकी तरफ से कुछ ऐलान भी किए गए, क्या क्या चीज़ों में बदलाव है आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर एक बार पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। तो इन सभी चीज़ों के अंदर SBI के क्रेडिट कार्ड में बदलाव कर दिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगर राज्य CAA लागू नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार क्या करेगी? गृह मंत्री अमित शाह ने समझाया कानून। आपको बता दें कि CAA लागू करने को लेकर विपक्ष शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि चुनाव के बाद सबको कोऑपरेट करेंगे, ये पॉलिटिक्स के लिए गलत प्रचार कर रही है, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है। आपको बता देना चाहते हैं, उनका कहना है कि CAA तो लागू होगा ही होगा, अगर नहीं होता तो इस पर उन्होंने खुद बताया कि शाह का कहना है कि चुनाव तक विरोध किया जा रहा है, उसके बाद सारे के सारे CAA का सहयोग करेंगे। शाह ने ये भी कहा है कि राज्य को CAA लागू करने से कोई भी रोकना नहीं चाहिए, इसका रोकने का अधिकार भी नहीं है और इस प्रक्रिया से जुड़े कामकाज को सिर्फ भारत सरकार से जुड़े अधिकारी ही पूरा करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बताया। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की परीक्षा से रिलेटेड। जी हां, कब होगा घोषित रिजल्ट? जाने पिछले 5 वर्षों में कब हुए थे इसके रिजल्ट की जारी। आपको बता दें, यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसके लिए जो रिजल्ट है वो जल्दी जारी होने की संभावना बताई जा रही है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो जल्दी घोषित होने वाला है और हाँ, उम्मीद जताई जा रही है कि 31 मार्च तक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई, उसमें बता रहे हैं कि 55 लाख से अधिक स्टूडेंट थे। बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो होली के बाद आने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, यूपी केंद्रीय चुनाव आयोग ने CM योगी के प्रमुख सचिव को हटाने का दिया निर्देश, CM कार्यालय का काम भी देख रहे थे। आप सबको बता देना चाहते हैं कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो प्रमुख सचिव हैं, जिनका नाम है संजय प्रसाद, को हटाने के निर्देश जारी किए। आयोग ने कहा है कि ऐसे गृह सचिवों को हटाने का निर्देश दिया जो मुख्यमंत्री कार्यालय का भी काम देख रहे हैं और संजय प्रसाद मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव होने के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह की भी जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो बोला गया कि उन्हें हटा दिया जाए। आपका इसके प्रति क्या विचार है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, यूपी आंगनवाड़ी के एलिजिबिलिटी। जी हां, जाने कौन कर सकता है आंगनवाड़ी के लिए आवेदन, क्या होनी चाहिए योग्यता। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक और हेल्पकारों के लिए यूपी आंगनवाड़ी पात्रता 2024 के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें विभिन्न मानदंड शामिल भी हैं, जैसे आयु की सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन करने वालों उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने से पूर्व योग्यता के बारे में जान लेना है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको बता देना चाहते हैं, इसके लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सुविधाओं को लेकर एक नेटवर्क शामिल है, जो विशेष रूप से छोटे बच्चों यानी जो 0 से 6 साल की उम्र है, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान करता है। और आपको बता देना चाहते हैं, इसके लिए क्या आयु सीमा रहनी चाहिए। बताया जा रहा है कि न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। जी आपको बता दें, हेल्पर पद के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें किसी मान्यता प्राप्त भारतीय बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा पूरी करनी होनी चाहिए। हालांकि जो लोग सुपरवाइज पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री भी होनी आवश्यक है। चलिए इसी के बाद अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, यूपी के इस जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हुआ ऐसा खेल की भाई से करा दी बहन की शादी। आपको बता देना चाहते हैं कि
इसमें कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिली, जहां उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ी धांधली का मामला देखने को मिला है। यहां सामूहिक विवाह में भाई बहन की शादी करा दी गई और जब इसकी जानकारी अधिकारी को हुई तो हड़कंप मच गया। अधिकारी को कहना है कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है, लोकसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने के सवाल पर होगी दलों की परख, भाजपा सबसे आगे। जी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में महिलाओं की जो भागीदारी है परखी जानी है। महिलाओं को टिकट देने के सवाल पर दलों की परख भी होने वाली है। महिलाओं को टिकट देने में भाजपा सबसे आगे है। महिला सांसदों का राष्ट्रीय औसत 14.10% है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पटना लखनऊ के बीच वंदे भारत का इंतजार खत्म, काशी अयोध्या आना जाना हो जाएगा एकदम आसान। आपको बता दें, बिहार यूपी की राजधानियां यानी पटना और लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने लगी है और इस ट्रेन से दोनों राजधानियों से काशी और अयोध्या आना जाना भी बहुत आसान हो गया है। पहले दिन सारी की सारी सीटें फुल रही। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बोर्ड से लेकर जहां 13 जिलों के 34 केंद्रों पर शिक्षकों ने नहीं जांची कॉपियां। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या के विरोध में कार्य बहिष्कार के चलते राज्य के 13 जिलों में 34 केंद्रों में यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका जो मूल्यांकन करना था वो नहीं हो सका और कौन की जो 34 केंद्रों ने जो शिक्षक उन्होंने कॉपियां नहीं जांची हैं अभी तक। और आपको बता दें, यूपी बोर्ड की ओर से अभी 75 जिलों में निर्धारित 259 मूल्यांकन केंद्रों में से 225 में सोमवार को कुल लगभग बात की जाए 29,32,990 कॉपियाँ जाँची गई हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुरादाबाद का नाम बदलकर होगा माधव नगर, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने नहीं कहा। आपको बता देना चाहते हैं, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमंत कथा के दौरान मुरादाबाद का नाम माधव नगर रखने की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने अपने प्रवचन में भी मुरादाबाद को माधव नगर बोलकर संबोधित किया। आपका इसके प्रति क्या विचार है, एक बार मुझे कमेंट्स में आप जरूर से बता दीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एलविश यादव से नोएडा पुलिस ने पूछे 5 ऐसे जरूरी सवाल और जिनका जवाब मिला और उन्होंने अपने आरोपों को भी कबूल लिया, ऐसा बताया जा रहा है। उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से सवाल पूछे, मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। अब उसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो पार्टी से लेकर जो रेव पार्टी होती थी उससे लेकर और जो वैनम जो स्नैक वैनम था उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो बताई जा रही कि उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी आप एक बार पोज करके पढ़ लीजिए, सारे के सारे सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और ये जो भी बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक बाकी न्यूज़ जो मुझे मिली है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको इसके प्रति क्या विचार है वो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अपराधियों को तेजी से पकड़ने में मदद करेगा क्राइम जीपीटी, जानिए क्या है यूपी पुलिस का नया फॉर्मूला। आपको बता दें, यूपी पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल चैट जीपीटी की तर्ज पर क्राइम जीपीटी तैयार किया। इस तकनीक को स्टैक्यू टेक्नोलॉजी बनाया है। इसमें पुलिस अपराधियों के बारे में सटीक जानकारी जुटाने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो सरकार आपको देखी जाए तो बहुत तेज तरीके से काम कर रही है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनका बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है यूपी पुलिस के द्वारा क्राइम जीपीटी। आपका इसके प्रति क्या विचार है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के वेदर के बारे में, होली पर कैसा रहेगा यूपी का मौसम, अगले 2 दिनों में बारिश के भी आसार, जानिए आईएमडी का पूर्वानुमान। आपको बता दें, होली से पहले मौसम एकदम करवट लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार है। हालांकि 25 मई तक आते आते मौसम एकदम साफ हो जाएगा, यानी आपको देखा जाए तो होली के बाद मौसम एकदम साफ दिख सकता है। जहां तक उम्मीद है होली पर बारिश नहीं होने वाली है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हां, वेदर के बारे में जान लेते हैं। पटना सहित बिहार के इन जिलों में बदलेगा मौसम, आंधी के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता देना चाहते हैं, बिहार में अब जो मौसम उसका मिजाज बदल गया है। पटना सहित दक्षिण बिहार के मौसम, जी हां, बिहार में फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। पटना सहित दक्षिण बिहार में मौसम का मिजाज बदलेगा। मंगलवार को आंधी के साथ बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नसबंदी के बाद कुत्ते हुए खूंखार, इस शहर में बढ़ गए हैं हमले, लोगों को दौड़ा रहे हैं। आपको बता दें, यूपी के प्रयागराज में जो कुत्तों के हमले हैं वो काफ़ी बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। नसबंदी के बाद कुत्ते और ज़्यादा खूंखार हो गए हैं, लोगों को दौड़ा कर कुत्ते जानलेवा हमला कर रहे हैं। मीरापुर में आधा दर्जन लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2 भाइयों ने कार को बना दिया हेलीकॉप्टर, दुल्हन के स्वागत प्लान पर पुलिस ने पानी फेरा। आपको बता दें, अंबेडकर नगर में 2 सगे भाइयों ने कारनामा कर दिखाया। उन्होंने एक कार को हेलीकॉप्टर बना दिया। दोनों भाई इस जुगाड़ को हेलीकॉप्टर दुल्हन लाने का फैसला सजोए हुए थे, लेकिन पुलिस ने पूरा का पूरा इस पर पानी फेर दिया और उन्होंने आपको बता देना चाहते हैं इसके लिए मना कर दिया गया है। जी हाँ, शादी की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही थी। दोनों भाई अपनी शादी के बाद दुल्हन को हेलीकॉप्टरनुमा कार में बिठा कर लाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक पुरानी कार को मॉडिफाई करके हेलीकॉप्टर का रूप दिया। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि पुलिस ने तत्काल हेलीकॉप्टर वाली कार को रुकवाया और पूछताछ की। यातायात उप निरीक्षक जय बहादुर यादव ने बताया कि किसी भी
और से आपको बता दें मॉडिफाई अगर किया जाता है वो गैर कानूनी है, इसके लिए परिवहन विभाग से अनुमति ली जानी चाहिए। इसी वजह से पूरा का पूरा उनका काम खराब हो गया। बाकी ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। इसी के बाद जान लेते हैं अभी बिहार की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें, क्या क्या बिहार की महत्वपूर्ण खबरें निकल कर सामने आ रही है। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, एनडीए ने लोकसभा की सीटें बांटी नहीं बदली, जाने के सदन के चुनाव चिन्ह पर कहां उतरेंगे उम्मीदवार। आपको बता दें एनडीए की पार्टी के बीच कुछ लोग जो है लोकसभा सीटों पर अदला बदली हुई है, जैसे शिवहर सीट पिछले चुनाव में भाजपा के पास थी, यह अब तक जदयू के पास चली गई है। गया सीट जदयू के पास थी, अब यह सीट हम के पास आ गई है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वहीं आपको बता देते हैं बिहार बोर्ड के रिजल्ट के बारे में जानकारी आपको दे दें। बताया जा रहा है जो बिहार बोर्ड का रिजल्ट है कक्षा 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है उसकी उम्मीद बताई जा रही है कि हाँ वो आने वाले समय में कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ पिछले कुछ वर्षों से पैटर्न के अनुसार जो बोर्ड का रिजल्ट है वो 20 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में नतीजों की घोषणा की जाती है। अब देखना होगा इस बार क्या होता है, क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो इन दिनों के बीच में होली रहने वाली है, तो हो सकता है होली से पहले आपका रिजल्ट आए या होली के बाद में, तो समय आने पे पता चलेगा। लेकिन हाँ biharboardonline.bihar.gov.in पर इसका रिजल्ट आ जाएगा, और आएगा तो मेरे चैनल पे सबसे पहले आपको जानकारी भी मिल जाएगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार ले जा रहे 70 लाख की शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, 3 गुना दामों पर बेचकर कमाते थे मोटा मुनाफा। आपको बता दें सूचना पर पुलिस ने कैटर की तलाश की और सामान के बीच में रखी हुई हरियाणा मार्का की अंग्रेजी शराब की 331 पेटी बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान बताया गया आरोपियों ने कि थाना धोलना क्षेत्र के UPSIDC क्षेत्र में उनका गोदाम है, जहां शराब की 400 पेटियां रखी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोदाम से भी शराब बरामद कर ली। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 20 मार्च को बिहार में के पाठक की अग्नि परीक्षा इम्तिहान देंगे या जाएंगे ही नहीं। आपको बता दें बिहार में संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल राजेंद्र आलिंगकर व प्रशासनिक महकमे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच सनातनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। के पाठक VC प्रो VC और विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों के लगातार बैठक बुला रहे हैं, जिसके अंदर राजभवन उनकी बैठकों में शामिल होने से विश्वविद्यालय अधिकारियों को मना करता रहा है। और इसमें आपको बताऊं ये 3 दिन की जो बैठकों में नहीं पहुंचे हैं, फिर भी के पाठक ने हार नहीं मानी है, उन्होंने चौथी बार बैठक बुलाई और इस बैठक में भी शायद ही कोई शामिल होगा। बाकी क्या होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, खुलासा हुआ है बिहार का ये शहर इंटरनेशनल सोना तस्करों का शेल्टर, म्यांमार की सिम से चलाते हैं मोबाइल। आपको बता दें म्यांमार के सिम से मोबाइल चलाते हैं और डोंगल से वाईफाई मिलता है, मोबाइल में सिर्फ म्यांमार का एक ही नंबर पर व्हाट्सएप कॉल होता है। म्यांमार में बैठकर गिरोह का किंग पिन ही पूरी तस्करी का संचालन करता है। तो ये थी बिहार ये कुछ बड़ी और काम की खबरें। तो अभी के लिए आज की सारी वीडियो में इतना ही। जी हाँ, आपको कैसी लगी सारी की सारी खबरें आज की, यूपी बिहार उत्तर प्रदेश जो भी राज्य की हर खबरें मैं लेकर आया हूँ, आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। और हाँ, वीडियो को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।